I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इंदर व्लॉग का गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग का। आज जो दिन है वो है संडे और रविवार का दिन है और डेट है वो है 14 फरवरी 2021। और व्लॉग आज खास होने वाला है। अभी वर्षा तो ऐसा हो रही है तो आज जो है प्रियम ही कमान संभाल रही है। किस लिए? किस लिए वो देखिए आप, ये चाप बनने जा रही है। और जो है चाप का पैकेट था वो मैंने बताया था आपको कि एक पैकेट आता है, पिछली वीडियो में पैकेट आता है कोई मार्केट से, किसी भी जो है वेजिटेबल शॉप से या कन्फेक्शनरी से, वहाँ से मिल जाता है। उसमें से स्टिक निकाल लेना, उसमें जो है कट कर छोटे छोटे टुकड़े कर स्टिक में से बाहर निकाल लेना। ऐसे अब तक बाहर निकाल लेना, तेल रख दिया है, तेल में जो है अभी इनको भूनेंगे, जो है तलेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देखिए वो लोग हमारा कैसे कैसे हम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इंदर व्लॉग का गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग का। आज जो दिन है वो है संडे और रविवार का दिन है और डेट है वो है 14 फरवरी 2021। और व्लॉग आज खास होने वाला है। अभी वर्षा तो ऐसा हो रही है तो आज जो है प्रियम ही कमान संभाल रही है। किस लिए? किस लिए वो देखिए आप, ये चाप बनने जा रही है। और जो है चाप का पैकेट था वो मैंने बताया था आपको कि एक पैकेट आता है, पिछली वीडियो में पैकेट आता है कोई मार्केट से, किसी भी जो है वेजिटेबल शॉप से या कन्फेक्शनरी से, वहाँ से मिल जाता है। उसमें से स्टिक निकाल लेना, उसमें जो है कट कर छोटे छोटे टुकड़े कर स्टिक में से बाहर निकाल लेना। ऐसे अब तक बाहर निकाल लेना, तेल रख दिया है, तेल में जो है अभी इनको भूनेंगे, जो है तलेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देखिए वो लोग हमारा कैसे कैसे हम करते हैं। तो जो है हमने कढ़ाई रख ली है और जो कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है, अब ये तेल है जो हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ कि तेल हो चुका है नहीं हो चुका है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा जो है इसका पीस डाल कर देखा है, तो तेल अच्छे तरीके से हो चुका है। और ये देखिए मैं सेलो फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करना है इन्हें। तो हमें इसके अंदर जो है वह चाप डाल दी है हमने इसके अंदर, एकदम जो है अच्छे से कर रही है। ये देखिए ये लगी हुई है मीडियम चाप जो है, मैं सिर्फ इसमें उतनी डालूंगी जितनी तेल में आ जाएगी, हम एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर अच्छे से भुनती नहीं है। और जो हमें चाप है वो मीडियम फ्लो में चलानी है गैस, मैंने इसे हल्की कर दिया है गैस को, इससे नहीं हो रहा है तो मैं ये ले रही हूँ। और हम इसे जो है धीरे धीरे भूनेंगे ताकि जो इसका जो है अंदर तक भुन जाए। और ये देखिए जो ये हमें ये सारी खोलनी है, इसकी एक एक लेयर खुल जानी चाहिए, इस तरीके से भूननी है। तो ये देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं हल्के हल्के, और हमें इतने ही ब्राउन करने हैं। ये देखिए जो इसकी लेयर है वो अलग अलग होने लग रही है इस तरीके से, और ये फूल भी चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमें इतने ही भूनने हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अभी देखिए ये हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए जो है मैंने फ्राई कर लिया है और जो इसमें एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा तेल नहीं खाते, आप जितना तेल खाते हो उतना तेल डाल सकते हो। और देखिए मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी जीरा, ये जीरा जब ब्राउन हो जाएगा इसके बाद डालूंगी मैं। ये जीरा हो चुका है, अब इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्च। हाँ कश्मीरी मिर्च, देख कश्मीरी मिर्च हो चुकी है,
अब इसके अंदर डालूंगी मैं हल्दी, ताकि हल्दी अच्छी तरीके से पक जाए। ये हल्दी है जो इसमें भून चुके हैं। हल्दी भूनने का फायदा ये है कि स्मेल नहीं आती है हल्दी में। और सबसे पहले अब डालूंगी मैं इसमें टमाटर का पेस्ट। मैंने तो यह सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, ताकि जो टमाटर है अच्छी तरीके से भुन जाए। इसमें मैं 3 चम्मच जो है नमक डालूंगी। इसे अच्छी तरीके से चलाऊंगी। तो टमाटर हो चुके हैं, अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं पीसी हुई प्याज। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और जो हरी मिर्च है मैंने इसके अंदर ही पीस ली थी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है। अब मैं इसे भूनूंगी मसाले को। आप इसके अंदर जो खड़े मसाले होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा मसाला खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो। ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। आप स्वाद अनुसार इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फिर मैं इसमें पानी डालकर जो है चाप तैयार कर दूंगी। मैं इसे 5 मिनट बाद खोल कर देखूंगी। वैसे मैंने लो फ्लेम पर किया हुआ है। तो ये देखिए मसाला हमारा हो चुका है, अच्छी तरीके से भुन चुका है, और जो तेल है ऊपर नजर आ रहा है। आप देख सकते हो रेड रेड जो ये है, ये ऑयल है, अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। मैंने इसमें थोड़ा ही पानी ऐड किया है, क्योंकि जो हम चाप बना रहे हैं वो थोड़ी टाइट बना रहे हैं। देखिए अब मैं इसे ढक के रख दूंगी थोड़ी देर, जिसमें खद्दा लग जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर चाप डाल दूंगी। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में जो है उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चाप जो मैंने भुनी थी। मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दी है, और इसे मैं चला दूंगी। अब इसे मैं 10 मिनट ढक के रख दूंगी, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे बनी है चाप। ओके तो दोस्तों, आपको जो है चाप की रेसिपी पूरी मिल गई होगी। फिर हमने आपको जो है चाप की रेसिपी पूरी दे दी है, तो आप घर में यूज करके देखिए कैसे बनती है चाप की रेसिपी। और अब जो है मम्मी मैदान में उतर चुकी है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए चाप की रेसिपी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो और मम्मी ने जो है इसमें धनिया ऐड कर दिया, वो अपनी तरफ से ऐड कराया, पर आपकी मर्जी है, करो या ना करो। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, और बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं देखने में जो है कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। देखना है खाकर कि आज जो है प्रियम ने पहली बार चाप बनाई है तो कैसी बनी है, मुझको टेस्ट करना है। हर बार वर्षा बनाती थी, आज जो है वर्षा थकी हुई है, और इसका थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी हो गया है वर्षा के, और जो है इसलिए है अभी लेट हुई है, सोई रही है। तो जो है प्रियम ने बनाई है, तो अब तो बस टेस्ट करना है कि प्रियम ने फर्स्ट टाइम कैसी बनाई है। और ये देखिए वर्षा का बुखार हो रहा है, वर्षा लेट रही है रजाई में। वर्षा बुखार लेकर आई तो है, सर्दी हो रही ना। हाँ तो पूरी रात जगी ना, वो थकान हो रही है, बस थकान की वजह से थोड़ा आराम कर। और ये काका भाई, हमारा काका
उजड़ा चमन काका और इसके कल काके और काके भी आ लगे छोटे छोटे से काके और काके मम्मी ने जो है खाना लगा दे सौरभ भाई का खाना लग चुका है स्पेशल चाप सौरभ भाई के लिए और पता तो बढ़िया बना रोटी तो मैं चाप थोड़ी सी लेकर आया हूँ तो अब इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं कि पीरम जो लाली है हमारी उसने जो है कैसी बनाई है चाप ये तो टेस्ट करते देखता है मजा आ गया भाई बढ़िया एकदम ऑसम फिर हम पास हो गए। ऑल राइट सो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए और जो है अभी मम्मी ने लंच बना दिया है मेरा जाने के लिए मैं रेडी हूँ और आपको जो है चाप की रेसिपी मिल गई है तो आप बनाइए घर पर और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे बनाई है। आप एक काम करना फिर हमने आपको दिखाया होगा कि सबसे पहले जो है टमाटर डालना है आप जो है फिर हमने बताया वो वैसे भी बनती है और अगर आप पहले जो है जो प्याज होती है वो अच्छे से भून लोगे टमाटर डालने से पहले तो और भी ज़्यादा जो है टेस्ट वो बन सकता है क्योंकि फिर हमने थोड़ी सी अलग रेसिपी से बनाई और वर्षा ने अलग बनाई है वर्षा का फीवर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा जो है थोड़ा फिर हमने बनाई इसलिए वैसे प्याज ही भुननी चाहिए क्योंकि प्याज ज़रूरी है भुननी और वैसे टेस्टी बन रही थी पापी ने तो दो तीन बार खाई बहुत अच्छी बन रही थी और मैं तो आज लंच भी लेकर जा रहा हूँ सच में टेस्टी बन रही थी बहुत ज़्यादा और आप बनाइए घर पर आप अगर थोड़ा डाउट हो कि क्या नाम जो है चाप कहाँ से मिलेगी मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ आप वेजिटेबल शॉप पे जाओगे जो आपके यहाँ वेजिटेबल शॉप है वहाँ मिल जाएगी आराम से जैसे मशरूम वगैरह मिल जाती है वेजिटेबल शॉप पर ऐसे ही चाप वगैरह मिल जाती है कन्फेक्शनरी की दुकान पर जो है वहाँ भी मिल जाती है तो वहाँ से लाइए और जैसे रेसिपी आपको बताई है वैसे वैसे बनाइए जो है मम्मी अभी लंच रेडी कर दिया है हेलो बड़ो बराम राम छोटो को प्यार मेरा तो काम रेडी है अब इसका खाना बाकी है नाश्ता करना बस मेरा नाश्ता रह गया अभी नाश्ता करना है और जो है वर्षा का बुखार था उससे पूछते हैं कैसा है अब कैसा बुखार अब तो नहीं है बुखार हाँ तो थकान है ना उसकी वजह से हो रहा आराम कर बस तो देखिए मेरा लंच रेडी हो चुका है क्या गुड़ रख दो भाई गुड़ जरूरी है ये अभी नाश्ते में भी चाप खाई जा रही है क्योंकि टेस्टी बनी ही है इतनी और कल शाम भी चाप अब भी और दोपहर को भी चाप अगर शाम को बच गए तो शाम को भी चाप आज नहीं बचेगी भाई मुझे लगता है नहीं आज नहीं बचेगी भाई थोड़ी सी रह गई बताओ उधर तेरी माँ जी है ना हाँ जी कह रही थी कि मुझे भी खिलाकर दिखाइयो कैसे चाप बनती है तो मेरी ताजी ने नहीं खाई जिस दिन क्या नाम पीरम का बर्थडे था उस दिन बनाई थी तो उस दिन भी जो है ताई जी का जो है व्रत था तो जो है आज भी उसी वजह से कल बनाया था कल भी उनका व्रत था तो जो है आज देख आएंगे उन्हें आज खा कर देखेगी वो टेस्ट कैसे बन था तो पहले नाश्ता कर लेता हूँ मैं तो मैं अलविदा लेता हूँ आज के व्लॉग में तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको चाप की रेसिपी कैसी लगी और हाँ जब बना लोगे अपने घर में तो जब बताना कि आपकी जो है चाप की जो है सब्जी कैसी बनी थी और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा उसको जरूर जो है प्रेस करना है तीन ऑप्शन खुलेंगे ऑल पर यस तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए मुझे को जाकर रिप्लाई जो है आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछिए मैं रिप्लाई करूँगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अपनी अपनी फैमिली ख्याल रखिए, खुश रहिए, आवाज रहिए, मजे रहिए, मजे से रहिए। ठंड जाने लग रही है, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए। ठंड तो यहाँ पर तो अभी बहुत ज़्यादा है, आज भी जो है धुंध पड़ रही है, सही बताए तो तुम्हें आज भी धुंध पड़ रही है, यहाँ तो मौसम चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बाय बाय, जय बजरंगबली, जय राम जी की, राम राम जी।